सरजी अलगा 2.0 सुन लो। एक कहानी जो सबको सुनानी है, जलने वालों की भी तो रूह भी चलानी है। हाँ तो आज हम बात करेंगे देश के मल्टी टैलेंटेड इंसान के बारे में जो जॉनी सिन से भी ज्यादा रोल प्ले करता है। जैसे कि कभी शेफ बन गया, टेक्निकल मीनल बन गया, तो कभी बीट बॉक्सर बन गया, बाइक का रिव्यू देने लगा, बाल काटने लगा, लड़की पटाने के तरीके बताने लगा, मतलब इतने सारे रोल प्ले करता है। सर जी आप कुछ भी बोलते हो मैं नहीं मानता। तू नहीं मानता तो मत मान माचोला। विल यू गो टू हनीमून इन दुबई? यस यस व्हाई नॉट, व्हाई विल नॉट गो इन हनीमून, हनीमून गो एंड यो इट्स हनी। तो आज मैं कहना चाहता हूँ टिकटॉकर्स को, तभी जाके यूट्यूबर्स को समझ में आएगा कि टिकटॉकर से हक दिया इंग्लिश और हिंदी बोलने में। तो अगर आप भी कमजोर हो हिंदी या फिर इंग्लिश में लोगों से बात करने में, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है यू डिक्शनरी ऐप, जिसमें मैग्नीफाइंग ग्लास का न्यू फीचर आया है। और वो फीचर ये है कि आप इंग्लिश टेक्स्ट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो और उसी तरह हिंदी टेक्स्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो बस आपको मैग्नीफाइंग ग्लास को टेक्स्ट के ऊपर ड्रॉप करना है और वो अपना ट्रांसलेट हो जाएगा। तो इस कूल फीचर को यूज करने के लिए आपको यू डिक्शनरी डाउनलोड करना है और उसके सेटिंग में जाके मैजिक ट्रांसलेट को ऑन कर देना है। फिर आप रेडियो किसी भी मैसेज का रिप्लाई देने के लिए, तो देर किस बात का, जल्दी से यू डिक्शनरी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए गुरु हो जाते हैं शुरू। ओ डीजे मीनल रैपर, इज डीजे मीनल इंटरनेशनल रैपर हियर? ओके, तो तू डीजे मीनल इंटरनेशनल रैपर है? यो इट्स डॉक्टर डीजे मीनल रैपर, किसी एक नाम पे तो टिक जा। मीनल, आज मैं इस चांद पे जा रहा हूँ वायरस का दवा ढूंढने के लिए, तो मुझे बोल सकते हो मैं 10 रुपए का दवा दूंगा। मीनल, अगर चांद पे वायरस का दवा मिल रहा होता तो जो कोई डॉक्टर वायरस का एंटीडोट ढूंढ रहे वो लोग तो चूतिया, जो यहाँ दिन रात एक कर रहे हो। और तू क्या बोल रहा है? आज मैं इस चांद पे जा रहा हूँ। जा रहा है तो यहाँ क्यों कोयले पे गांठ टिकाए बैठा है? निकल, पहली फुर्सत में निकल। एक कहानी जो सबको सुनानी है, चलने वालों की भी तो रूह भी चलानी है, इसको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत। डीजे मीनल रैपर अलगार गाने की माँ खोलने में शर्म नहीं आई तुझे? है? थोड़ी सी तो शर्म कर। और इसके सॉन्ग से इसके लिपसिंग में उतना ही जमलिंग है जितना कि टिकटॉकर्स का कंटेंट से जमलिंग है। और कैरी के गाने का बात आया है तो अपने इंटरनेशनल रैपर कैरी को कुछ बोलना चाहते हैं। कली कली मैं शोर है, क्रिमिनेटी परवा है, मरना है क्या बॉस के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? 2 days later ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे क्रिमिनेटी भाई के लिए। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो हो गया वो खो गया। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया, वाह। ब्लू आइज हैपी आइज तेरी कर दिए मैंने, तुझको दरवाजा भी डरना है, चैंपियंस किरा पे पेनी पैन पे और कहती है रेंट ले लो होटल पे। डीजे मीनल ऐसे गाने गाने से अच्छा तुम कहीं और जाके अपनी गाँव मराइए, पर म्यूजिक फील्ड में मत आओ क्योंकि तुम म्यूजिक के नाम पे टट्टी फैला रहे हो। और 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 गाने पे लिप सिंक करते हुए तो और बुरे लग रहे हो, तो मत करो, रहने दो बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और इंटरनेशनल गांडू जिस तरह से तुम गाना गा रहे हो उसे गाना गाना नहीं बल्कि अगना कहते हैं। चॉकलेट ना होता तो फिर सोचो क्या होता, बॉम्बे ना होता तो फिर सोचो दूध का क्या होता, सोचो डीजे मीनल अगर पैदा ना होता तो फिर म्यूजिक इंडस्ट्री का रिजल्यूशन नहीं होता। जो भी मैं बोला वो मैं करके दिखाऊंगा, मेरे लिए दुआ करो मैं ग्रैमी ले आऊंगा, पुरंग बजरंग बली की देसी घी की बंदी शिखर पर बताऊंगा। इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप। अगर तू ना पैदा होता तो बेंचो लोगों के दिमाग का बोलड़ा ना होता, और तू ये झींगे को लेके हिप हॉप किंग बनने चला है। ऐसा लग रहा है कि तूने इसके गांडों पे चाबुक मारा है और इसे जबरदस्ती का मुजरा करवा रहा है। और अगर तू ग्रैमी ले आया तो मैं नाथू का हथियार काट दूंगा। मैं लिख के देता हूँ। इसके रैप को सुन सस्ते बोहेमिया की फटी तो फटी है मिनिम ताऊ के तो, और इसके रैप को डिकोड करने के लिए जेम्स बॉन्ड लगा था पर जेम्स बॉन्ड को लंड समझ नहीं आ रहा तो जेम्स बॉन्ड ने विमल बोलो जुबान कैसी खा के अपना जान दे दिया। तो जेम्स बॉन्ड के लिए #विमल कमेंट करना है, मुझे नहीं पता बस कमेंट करना है #विमल। भूत को देख ले तो नाथू जोरों से चीखे, भूत को देख ले तो नाथू जोरों से चीखे, किसी भी गाने की माचो ना कोई इनसे सीखे। हाँ तो अब हम अपने स्टार के साथ केबीसी खेलेंगे और इसी के गाने में थॉर साहब का हथौड़ा डाल देंगे, तो झाटा सुर लगा दे इंट्रो। मैं गुस्सा हूँ सर जी, मेरे को मनाओ। नाथू तुम्हें इंट्रो लगाना है तो लगाओ वरना अपनी माँ मत चोदाओ। क्या बनेगा चूतिया?
तेरे ऐसे बकचोदी करते देख तेरे डैड ने तेरे को क्या बोला? तू गलती है मेरी। आमिर सिद्दीकी क्या है? परवाह है। तू प्याज के मुंह में क्या डालता है? गुटका। टिकटॉक के वीडियो बनाने से पहले तू खुद के गाने क्या लेता है? तू हर बार कहाँ जाके ठुकवाता है? मनाली मनाली। पीसू भाई की गाल मारने से पहले लोग उसकी गाल पे क्या लगाते हैं? लिपस्टिक। तू मुजरा सेंटर वालों की मारने के लिए लोग कहाँ से आए? अफ्रीका उगांडा से आया है। तू कितने दूर के गांव में जाके गाल मरवाता है? 50-50 कोस दूर। प्याज भाभी के गाल में क्या डालना चाहिए? चप्पल। लोग तेरे मुँह में क्या देते हैं? मिडिल फिंगर। तूने बिल्कुल विमल गुटका जैसे जवाब दिया, तो तू ही बता तेरे गाल में हम क्या डालें? पान बनारस वाला। मेरे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे वॉइस चैनल के थ्रू कॉल पे बात भी करेंगे और बकचोदिया भी करेंगे। तो मेरे डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन कर लो। अरे बाबू दे दे थोड़ा कैश, बाबू दे दे थोड़ा कैश, बाबू दे दे थोड़ा कैश, कैश कैश कैश। मेरा लौड़ा ले लौड़ा। वीडियो देख के आपको 1% भी मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, 400 के करना है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वो मेरा गाना मार के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे।